हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। मैं पूर्णिमा सिंह अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आप सोचते होंगे कि आज तो पुनी क्या सुबह सुबह इतना तैयार व्यार हो गई है जैसे नहा के। एक्चुअली मैं तो नहा चुकी हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो मैं नहा ली, सुबह सुबह नहा के आ चुकी हूँ। अभी सुबह का 7:15 हो गया है। अभी जैसे झाड़ू वाड़ू ऐसा कुछ नहीं, से उठ के नहा लिया और कुछ नहीं किया, तो सब कुछ तो करें, ब्रश तो कर लिया, मेडिसिन भी खा ली, ये सब काम कर लिया। तो चलते हैं, पहले कुछ और एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है। और देखिए फ्रेंड, आज 4 फूल खिला है। वो जो कद्दू का पेड़ है ना, वो कद्दू का जो पेड़ लगाया था उसमें से फूल निकल रहा है। अब कल भी 2-3 निकला था, परसों भी 2 निकला था, ऐसे रोज 2-3, 2-3, 4, आज 4, और भी भरा पेड़ है। तो फिर कल और एक शायद बढ़ जाएगी, तो वैसे ही हमारा कद्दू का फूल हो जाएगा। लेकिन लेकिन आज तो सोमवार है, मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि सोमवार के दिन वो खाते हैं इसको, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो जो चावल का पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ी सी लहसुन मिलाया है, तो मैं नहीं खाऊंगी। पापा के लिए बना दूंगी, तो पापा खा लेंगे उसमें जो ये फूल को चावल के पेस्ट में मिलाकर, उसको कैसे बड़ा बना दूंगी तो पापा खा लेंगे। और एक दिन भी बनाया था तो पापा को बहुत अच्छा लगा, पापा भी खाए थे, तो आज भी बना लूंगी। और आज तो श्रावण का पहला सोमवार है। मेरी तरफ से सबको भोलेनाथ की, मतलब मैं अपनी तरफ से सबके लिए भोलेनाथ से दुआ करूंगी कि सबकी मंगल कामना करते हुए दुआ करूंगी। और पूजा तो मैं वैसे आज नहीं करने वाली, क्योंकि पूजा नहीं करूंगी, आज सोमवार है। अभी हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय नहीं पी मैंने सुबह से, मतलब उठ के तो जैसे नहा के आई हूँ, चाय नहीं पी, तो चाय अभी पीऊंगी। उसके बाद जो भी नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहाने के बाद जैसे भूख लगी है, तो चाय में बिस्किट वगैरह कुछ भी ऐसा खा लूँगी, फिर जाके जो भी करूँगी। तो पहले आप लोगों को कद्दू का फूल दिखा दिया है। मैंने बोला था ना कि जब फूल होगा उसमें फल होगा, पत्ता जो सब कुछ मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वो ही हो गया, तो हमने कर ली। तो आज देखिए कितना सारा, आज तो बहुत धूप निकला है बाहर, बहुत धूप निकला है। मैं तो ना के आई हूँ, माँ भी ना के आ गई, सब लोग हम लोग ना के आ गए हैं। सुबह सुबह हम लोग नहाते, आज बहुत तेज धूप निकले है तो अच्छी तरह से कपड़े सूख जाएगी, वरना बारिश बारिश में तो उफ। तो फ्रेंड रोटी तो बना दी, अब तो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रोटी, लेकिन मैंने क्योंकि ट्राईपॉड पे नहीं लगाया है ना, तो फोन को ऐसे पकड़ के कर रही हूँ, तो वही कितना धूप है मेरे पीछे, देखिए इतना धूप है कि क्या बताएं। तो रोटी बना ली, फिर जो दूध को उबालूंगी, इधर दूध नहीं बिठाया है, दूध बिठाऊंगी फिर जो भी काम करूंगी, क्योंकि बहुत सारा काम भी बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, फोन को हाथ में पकड़ पकड़ कर।
तो अभी 10 बजने को है, मैं 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक झाड़ू तो लगा चुकी थी। थोड़ा बर्तन है, बर्तन को धोऊंगी और थोड़ी सी बैठ गई, थक गई थोड़ी सी झाड़ू लगा के, क्योंकि सुबह आज नहीं लगाया था ना। जैसे नहा के आई तो नहा के फिर झटपट आके झाड़ू लगाना मुझे नहीं अच्छा लगता। और जैसे साफ सफाई की तो कपड़े वगैरह तो थोड़ी सी भी थक गई तो नहीं की, अभी झाड़ू लगा के आ गई। थोड़ा बर्तन है, बर्तन को धोऊंगी, फिर बेड लगाऊंगी, बेड भी नहीं लगाया, थोड़ा आलसी टाइप का लग रहा है। तो कुछ कुछ करेंगे, देखे कहाँ बैठी हूँ, किचन किस जो गैस के पीछे, मेरे पीछे गैस है, गैस के पास जो है वो वहाँ थोड़ी सी डेर के बैठी हूँ ऐसे ही। तो पहला काम कर, सब्जी लाए थे मार्केट से, जो वही सुबह का जितना सारा काम खत्म कर लिया था जैसे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली।
कि झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा तो नहीं, बर्तन जितना भी था मांझ ली, बेडशीट लगा ली, सारा काम जैसे सुबह का ख़त्म हो गया। फिर ये पापा मार्केट से लाए थे सब्जी, वो जो तोरी और वो जो कांकड़ बोलते हैं वही, और जो टमाटर, ये सारा चीज़ जैसे फ्रिज में लगाना, फ्रिज से जो भी बनाऊंगी वो सब निकाल कर सारा जैसे वो सब रेडी कर रही थी, और जितना भी करना था रेडी कर लिया। फिर ये जो वो कांकड़ को काटना है उसको थोड़ी सी फ्राई कर उसकी सब्जी बनाऊंगी। आज सोमवार है ना, बिना प्याज लहसुन का सब बनेगा, क्योंकि आज श्रावण का सोमवार। जैसे जो लोग मुझे बहुत पहले देख रहे हैं पिछले साल से, तो वो लोग जानते हैं कि मैं श्रावण का महीने का सोमवार भी कर उपवास, जैसे नॉनवेज नहीं खाती श्रावण के महीने में, और ये जो ऐसे बिना प्याज लहसुन सोमवार करती हूँ। तो वही उसको आलू कांकड़ की सब्जी बना दूँगी, और ये वही जो कद्दू का फूल निकला था ना, उसको थोड़ा सा चावल का पेस्ट मिला के मैंने उसको, और कद्दू का वो जो नाड़ा होता है वो भी निकला था, उसको थोड़ी सी चावल का पेस्ट मिला के उसको ऐसे जो तवा फ्राई कर रही हूँ। ऐसे फ्राई करने से बहुत अच्छा लगता है, मीठे मीठे जैसे बहुत टेस्टी भी होता है। और ऐसे कद्दू फ्राई और कद्दू का जो वो जो उसको क्या कहते हैं, डंको कहते हैं हमारी उड़िया में, डंको कहते हैं खरो डंको, जो कद्दू का डंका को ही उसकी भाजी जो है, मतलब ऐसे भाजी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। तो ये मेरा सब्जी बन गई थी, तो आलू क्योंकि बिना प्याज का लहसुन का क्या ऐसा रेसिपी दो, इसीलिए नहीं दिया, बस थोड़ी सी ऐसे जो मसाला बनाया था वो उसमें से बना दिया। और ये वही जो तवा में फ्राई बनाया था, और खिचड़ी थोड़ी सी बना ली, तो वही खिचड़ी बिठा रही हूँ। थोड़ा सा मतलब ऐसे तेल दे दिया, जीरा का चौक था तो, और तेज पत्ता दे दिया, उसमें थोड़ी सी पानी दे दिया। आज एक थोड़ी सी अलग तरीके से बनाया था, बहुत अच्छा लगा, ये सब्जी भी बन गई थी, थोड़ी सी अलग बनाई थी, जैसे चावल को फ्राई करके नहीं किया था, ऐसे दाल और पानी जैसे जब उबलने लगी थी तब चावल दे दिया, तो अच्छा ये साग कद्दू का साग बनाया था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यहीं रहती हूँ। जय श्री कृष्णा।